द्वापर युग में महिष्मती नगरी का एक महिजित नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ किए, फिर भी राजा को पुत्र उत्पत्ति न हुई। तदनंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। मैंने कोई पाप और अत्याचार नहीं किया, पर फिर भी मैं संतान विहीन हूँ। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपकी वंश की वृद्धि हो। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन चली गई। वन में एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। वे संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत और अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमेश ऋषि था। वह त्रिकालदर्शी लोमेश के दर्शन के लिए सभी लोग मुनिवर के पास गए। महर्षि लोमेश ने आने का अभिप्राय पूछा। मैं आपके संदेहों का निवारण करूंगा। वहां पर खड़ी प्रजा और ब्राह्मणों ने अपने राजा के दुख के बारे में बताया। महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताएं जिससे हमारे राजा को संतान प्राप्ति हो। ब्राह्मणों और प्रजा की बात सुनकर महर्षि ध्यान मग्न हो गए और राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि रोमेश ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान दायक एवं निर्धनों को धन देता है। आसार कृष्ण चतुर्थी एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। विधि पूर्वक राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त को ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की उपलब्धि होगी। विद्वान ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने श्रद्धा पूर्वक गणेश जी के व्रत करने का संकल्प किया। रानी सुदक्षिणा के गर्भधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगर वासियों को संतुष्ट करके पूर्वोत्सव मनाया।